इजिप्त देश के इतिहास ने कई महान शासकों की गवाही दी है। उन प्राचीन शासकों को फेरोस के नाम से जाना जाता था। इजिप्शियंस अपने शासकों को बेहद प्यार करते थे और उनको काफी इज्जत देते थे। इजिप्शियंस ने उन्हें भगवान का दर्जा भी दिया। खुफू, थटमोस III, चुटनखामून कुछ ऐसे ही इजिप्ट के लोकप्रिय राजाओं में से एक थे। इजिप्ट का आखिरी फेरो कोई राजा नहीं था बल्कि एक रानी थी जिनका नाम क्लियोपैट्रा था। हम में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें क्लियोपैट्रा के बारे में ना पता हो, पर हमने कभी न कभी क्लियोपैट्रा का नाम जरूर सुना होगा। वो आज भी एक ऐसी रानी के रूप में याद की जाती है जो बेहद खूबसूरत, ताकतवर और इंटेलिजेंट थी, पर इन सबसे ज्यादा वो अपने प्रेम संबंधों के कारण सदियों से मशहूर है। आज उन्हें इतिहास का महत्वपूर्ण किरदार माना जाता है, इसलिए हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर दुनिया क्लियोपैट्रा से क्यों आकर्षित है। तो चलिए इतिहास के कुछ पन्नों को पढ़ते हैं और ऐसी औरत के बारे में जानते हैं जो अपने समय की ताकतवर शासक, निडर योद्धा होने के साथ लाजवाब सेक्स अपील रखती थी। क्लियोपैट्रा का जन्म 69 BC की शुरुआत में हुआ। वो उस समय के टोलेमेक इजिप्ट के राजा टोलेमी 12 की बेटी थी। राजा की मौत के बाद 51 BC में राज का सिंहासन उनके बच्चों, बेटी क्लियोपैट्रा और बेटे टोलेमी 13 को मिल गया। सिंहासन का भार उठाते ही क्लियोपैट्रा के सामने कई चुनौतियां आईं, जैसे कि इजिप्ट में सूखे की वजह से भुखमरी फैल जाना और इजिप्ट का 1.75 लाख ड्रचमास जो उस समय की करेंसी थी कि रोम के कर्ज में डूब जाना जो असल में क्लियोपैट्रा के पिता को अदा करना था। क्लियोपैट्रा ने अपने ही भाई और सहशासक टोलेमी 13 से शादी कर ली। आप ये सुनकर चौंकिए नहीं क्योंकि टोलेमेक शासकों में ये एक चलन था। टोलेमी 2 और उनकी बहन आर्सिनो 2 ने सबसे पहले एक दूसरे से शादी की थी जिसके बाद ये उनमें एक प्रथा बन गई। हालांकि क्लियोपैट्रा ने जल्द ही टोलेमी 13 को सहशासक मानने से इनकार कर दिया। क्लियोपैट्रा ने सारे अधिकार अपने अंडर करने की कोशिश की, लेकिन टोलेमी 13 के पास पोथेनियस जैसे शक्तिशाली सहयोगी होने के कारण क्लियोपैट्रा नाकाम रही। पोथेनियस नाबालिग टोलेमी 13 को राजगद्दी संभालने की मदद करने के लिए नियुक्त थे। पोथेनियस के प्रभाव से ही टोलेमी 13 क्लियोपैट्रा के खिलाफ हो गया। 48 BC में टोलेमी 13 ने क्लियोपैट्रा को देश से निकाल दिया, जिसके बाद वो सीरिया चली गई। उधर टोलेमी 13 ने इजिप्ट के उस समय की राजधानी अलेक्जेंड्रिया पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। क्लियोपैट्रा ने आसानी से अपना सिंहासन नहीं छोड़ा। उसने अपने पद को वापस पाने के लिए एक आर्मी का गठन किया। उसी दौरान रोमन मिलिट्री जनरल सीजर एक रोमन मिलिट्री लीडर पोम्पी के खिलाफ युद्ध कर रहे थे। टोलेमी 13 से मदद मांगने के लिए पोम्पी इजिप्ट भाग आए। हालांकि पोथेनियस ने जूलियस सीजर को इम्प्रेस करने के लिए पोम्पी को दंडित कर दिया। जब सीजर अपने सैनिकों के साथ अलेक्जेंड्रिया आए, उन्हें पोम्पी का सर पेश किया गया। खुश होने के बजाय सीजर को पोथेनियस पर गुस्सा आया, क्योंकि अपने स्वभाव के अनुसार सीजर कभी कभी अपने दुश्मनों पर दया कर देते थे। रोम में अनाज की सप्लाई इजिप्ट द्वारा ही होती थी। क्लियोपैट्रा एंड टोलेमी 13 के बीच तनाव के कारण राज्य में सिविल वॉर जैसे हालात पैदा हो गए थे। सीजर ने रोम के बारे में सोचते हुए इजिप्ट के मामले को सुलझाने की सोची। क्लियोपैट्रा चालाकी से सीजर से मिली। वो कालीन में छुपकर सीजर से मिलने आती हैं। जब वो उससे बाहर निकलती हैं, तो क्लियोपैट्रा की खूबसूरती देखकर सीजर दंग रह जाते हैं। भले ही वो एक राजनैतिक मुद्दे की वजह से साथ हुए, लेकिन बहुत जल्द एक दूसरे के करीब आ गए। इसी मुलाकात के बाद सीजर ने क्लियोपैट्रा को समर्थन देने का फैसला किया। सीजर ने घोषित किया कि दोनों भाई बहन मिलकर राज्य को संभालेंगे। क्लियोपैट्रा एक बार फिर से रानी के पद पर आ गई, जिसके बाद वो अपने से 30 साल बड़े जूलियस सीजर की प्रेमिका बन गई। ऐसा भी कहा जाता है कि दोनों हनीमून के लिए नाइल की सैर करने और इजिप्ट के स्मारकों का दर्शन करने के लिए एक साथ क्रूज यात्रा पर गए।
क्लियोपेट्रा ने सीजर के बच्चे को भी जन्म दिया जिसका नाम उसने सिजेरियन रखा। एक तरफ सीजर ने अपने नाजायज बच्चे के बारे में चुप रहना चुना, दूसरी तरफ क्लियोपेट्रा ने सीजर को सिजेरियन के पिता होने की आधिकारिक घोषणा की। जब टॉलेमी 13 एक असफल रेबिलियन में मारे गए तो उनकी जगह उनके छोटे भाई टॉलेमी 14 ने ले ली। इसके अलावा क्लियोपेट्रा की छोटी बहन आर्सिनोफोर भी राजगद्दी को पाने के लिए अपनी बहन के खिलाफ हो गई, लेकिन उसकी कोई भी चालाकी काम न आई क्योंकि सीजर उसको कैदी के रूप में अपने साथ रोम ले गए। जहां क्लियोपेट्रा को सीजर की रखेल के रूप में देखा गया, उसने अपने छोटे भाई टॉलमी 14 से भी शादी की, लेकिन अपने बेटे सिजेरियन को राजगद्दी पर बैठाने के लिए उसने टॉलमी 14 को जहर देकर मार डाला। क्लियोपेट्रा एक महत्वाकांक्षी रानी थी, वो भगवान में विश्वास करती थी और इजिप्ट के कई मंदिरों में रोज विधि विधान से पूजा प्रार्थना करती थी जिससे भगवान सत्ता में रहने का उनको आशीर्वाद दे। उसने अपने शासन को लोगों की यादों में हमेशा कायम रखने के लिए अपनी और सिजेरियन की कलाकृति भी बनवाई। सिविल वॉर की वजह से इजिप्ट में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई थी, लेकिन क्लियोपेट्रा ने हर कठिनाइयों से जूझकर एक महान शासक के रूप में अपने देश को फिर से फाइनेंशियली स्टेबल बनाया। 44 बीसी में जूलियस सीजर की हत्या हो गई और हत्या करने वालों के खिलाफ एक युद्ध शुरू हुआ। सीजर के लिए लड़ी जा रही ये लड़ाई उनके दोस्त मार्क एंटनी के नेतृत्व में लड़ी जा रही थी। ईस्ट में सत्ता में आने के बाद उन्होंने क्लियोपेट्रा को टर्की बुलाया। मार्क एंटनी का मकसद ये जानना था कि क्लियोपेट्रा ने सीजर के हथियारों के खिलाफ लड़ाई में उनका समर्थन क्यों नहीं किया। रानी ने ये विश्वास दिलाया कि उसने सीजर के हथियारों पर हमला करने के लिए अपने सैनिक भेजे थे, लेकिन उनको युद्ध के मैदान पर पहुंचने में देरी हो गई। क्लियोपेट्रा की अद्भुत सुंदरता ने मार्क एंटनी का भी दिल चुरा लिया। एंटनी और क्लियोपेट्रा एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ गए और उनके 3 बच्चे हुए। हालांकि एक बार फिर एंटनी और क्लियोपेट्रा को महायुद्ध का सामना करना पड़ा। ऑक्टेवियन रोम का राजनेता था जिसने सीजर के लिए हुए युद्ध में मार्क एंटनी का साथ दिया था। ऑक्टेवियन ने ये लड़ाई इजिप्ट के खिलाफ जारी की, लेकिन उसे पता था कि क्लियोपेट्रा के खिलाफ लड़ाई में उसका सामना मार्क एंटनी से भी होगा। ठीक वैसा ही हुआ भी, एंटनी ने इजिप्ट का साथ दिया। हालांकि युद्ध में इजिप्ट का पलड़ा हल्का हो गया। मार्क एंटनी को पता चला कि क्लियोपेट्रा अपने दुश्मनों के बीच में फंस गई थी और उन्होंने खुद को मारने का फैसला कर लिया था। ये सुनकर एंटनी ने भी अपनी जान देने का फैसला किया और खुद को छुरा मार लिया। उधर क्लियोपेट्रा खुद को और अपने राज्य को दुश्मनों के हाथों में जाता नहीं देख सकती थी। उन्होंने एक जहरीले सांप से खुद को कटवा कर अपनी जान दे दी। अपनी मृत्यु के दौरान क्लियोपेट्रा इसिस यानी इजिप्शियन फेरोस के संरक्षक के रूप में तैयार हुई थी। एंटनी और क्लियोपेट्रा की मृत्यु 30 बीसी में हुई। मृत्यु के बाद दोनों को क्लियोपेट्रा की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक एक दूसरे के बगल में गाड़ा गया। क्लियोपेट्रा का अंत इजिप्ट के राजाओं के साम्राज्य का अंत था, लेकिन उनका नाम इतिहास में कभी ना भुला पाने के लिए दर्ज हो गया है। क्लियोपेट्रा वाकई में एक आकर्षण थी, पर इसके साथ वो एक काबिल शासक भी रही। क्या आपको क्लियोपेट्रा की ये कहानी अच्छी लगी? कमेंट करके हमें बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।